नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने सलाह देते हुए कहा कि गौशालाओं में गायों की सुरक्षा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में एक रूपता होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में गौशालाओं में प्रति गाय के हिसाब से 100 रुपए अनुदान किया जाना चाहिए। भारत सरकार हर राज्य में गौ रक्षा के लिए उतनी ही राशि दे जितनी प्रदेश सरकार दे रही है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से गौ संरक्षण के लिए राज्य सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया जाता। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से बजट का प्रावधान करने की मांग करेंगे। गौशालाओं के बारे में के गौशालाओं में प्रति गाय के हिसाब से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और केंद्र शासन के द्वारा कितनी राशि अनुदान की दी जाती है, तो जो उत्तर आया वो बहुत चौड़ा है, लगभग 60-70 पेज का है, लेकिन उसका मुख्य बिंदु में कि एक रूपता नहीं है। मध्य प्रदेश में हर जिले में जो गौशाला का प्रतिदिन अनुदान दिया जाता है उसका अलग अलग आंकड़ा है। जैसे 2013-14 में प्रतिवर्ष 608 रुपये प्रति गाय को मान से प्रतिदिन 1.66 रुपये दिया जाता था। एक गाय का एक दिन का भोजन के लिए 1.66 रुपये 2014-15 इस प्रकार एक गाय पर प्रतिदिन 1.73 रुपये 2015-16 में प्रतिवर्ष 591 रुपये और एक गाय पर ये और कम हो गया 1.61 रुपये यानी 14-15 में 633 था और 15-16 में कम हो गया 591। इसके बाद 2016 में और कम हो गया 577 हो गया प्रति गाय 1.58 रुपये और कम हो गया 17-18 में 679 रुपये प्रति गाय और 1.86 रुपये। इस प्रकार जो गौशालाओं का जो अनुदान दिया जाता है वो बहुत कम है। हमारा अनुरोध यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अलग जिलों में दिए जा रहे अनुदान में एक रूपता नहीं है। जैसे सीहोर में नवंबर 2017-2018 में 642 रुपये प्रति गाय के हिसाब से 1.75 रुपये, इसी प्रकार हरदा में 10 रुपये के मान से दिया जाता प्रति गाय 10 रुपया, तो ये तांतर क्यों है। इसी प्रकार होशंगाबाद में 1.96 रुपये और बैतूल में 2.53 रुपये 2015-16 में शहडोल में प्रति गाय पर 24 रुपये दिया जाता। तो हमारा कहना है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक रूपता की नीति बनाई जाए और कम से कम 10 रुपये प्रतिदिन एक गाय को दिया के रक्षण के लिए दाए और भारत सरकार ने कोई राशि नहीं दी है, तो हम भारत सरकार से ही मांग करते हैं कि गौ संरक्षण के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।